है तो सागर का एक बूंद का एक स्वाद देने के लिए ही है, संभव ही नहीं कि हम सब कुछ दिखा सके, लेकिन फिर भी एक बड़ा ईमानदारी से एक प्रयास किया गया है, हाँ, जिसमें कहीं भी अतिरंजित नहीं है और बहुत ही एक जैसे जैन स्टोरी होता है कि सिंपल साधारण सी जो बातें होती हैं वही इस फिल्म के द्वारा हमने कही है, हाँ। और अगर आप पूरे कहानी के प्रवाह में आप बहेंगे, हाँ, तो कम से कम एक झलक तो आपको ज़रूर मिलेगा उस पार की, एक झलक जरूर मिलेगा। और इस फिल्म के गति में भी हमने ये ध्यान रखा हुआ कि आपको 1930s और 40s का जो एक ज़माना था जहाँ इतनी भागदौड़ नहीं थी, हाँ, और परमात्मा के खोज में भी सबसे बड़ा काम है श्रद्धा और सबूरी, इसमें भी एक सबर है, एक श्रद्धा है, हाँ, और कहीं भागदौड़ नहीं है। और जो आदमी ढूंढ रहा है उसको ये भी पता नहीं कि मैं परमात्मा को ही ढूंढ रहा हूँ या किसे ढूंढ रहा हूँ या खुद को ढूंढ रहा हूँ, ये कहीं भी एक शब्द नहीं है कि मैं ढूंढ रहा हूँ, बस एक खोज है, एक प्योर खोज है, और उस खोज से ही जो भी चीज़ फलित होता है वो आपके सामने है, और जो खोज में मिलता है वो भी बताया नहीं जा सकता। हमने एक एक्स्ट्रा इसमें लाइट भी इस्तेमाल नहीं किया कि कहीं भी अतिरंजनता हो जाए। और एक पूना के मशहूर क्लासिकल गायक है पंडित आलपे जी, विनोद भूषण आलपे जी, उनसे मैंने कहा कि मुझे ओम शब्द को आपको रागों में बांध के दीजिए। तो पहले वो कह रहे हैं कि नहीं कुछ तो मैं ऐड करूं, ओमकारेश्वर कर दूं या हरि ओम कर दूं। मैंने कहा नहीं, सिर्फ ओम शब्द शुद्धि रखना कि तभी बात बनेगी उसकी। और उन्होंने वो रागों में ओम को गाया है, उसको मैंने इस फिल्म में इस्तेमाल किया है, वो कहने के लिए जो कहा नहीं जा सकता। तो जो लोग खोजी है, जो प्रेमी है, तलाश तो हर एक को है। मैं ये नहीं कह सकता कोई कोई खास आदमी होता है जिसको खोज होता है, हर आदमी अंदर एक खोज लेके आता है, तो हर किसी के हृदय को जरूर छुएगा, चाहे थोड़ा छुए चाहे ज़्यादा छुए, ये बात अलग हो सकता है, लेकिन जरूर छुएगा। यही मेरा प्रयास है, एक ईमानदारी से प्रयास किया गया है, हाँ। बहुत सीधी सरल फिल्म है, कहीं भी कोई इसमें ऐसे ड्रामा नहीं, कहीं भी अतिरंजित नहीं है, और कहीं भी गुरु को यहाँ पे हमने ऐसा नहीं दिखाया है कि कहीं विशेष थे, वो हमारी तरह थे, हमारी तरह उनकी भी छोटी छोटी बातें थी, हाँ, लेकिन इसी छोटेपन से, इसी साधारणपन से कुछ अलग उन्होंने पाया, वही हमने प्रयास किया। स्वामी जी, शुरुआत से शुरू करना चाहिए। जी, आप कब मिले, कैसे मिले प्रभु से, प्रभु से आपकी क्या क्या बातें हुई, प्रभु की दिनचर्या कैसी क्या थी, और मतलब अब ये ऐसी चीज़ें, सारी चीज़ें किताबों में उपलब्ध है, हाँ, और दिनचर्या सबका एक ही जैसा होता है, हाँ, उठना, सोना, जागना, हाँ, नहाना धोना। कैमरा में देख के बोलेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक। तो दिनचर्या हर साधारण मनुष्य की तरह उनका भी वही दिनचर्या है, हाँ, कि उठना, जागना, सोना, हाँ, लेकिन बहुत फ़र्क है उसमें। उनके सोने में पूरी तरह सोना है, उनके जागने में पूरी तरह जागना है, हाँ, और सही माने में कहे तो उनके सोने में भी जागरण है, हाँ। और ये सारी अनुभूतियाँ ऐसी है कि इसको हजार हम सबसे अलंकृत करें तो भी बताया नहीं जा सकता। और ये स्वाद ऐसा है कि आदमी जब खुद खोजे और खुद पाए तभी गुड़ का स्वाद समझ सकता है, उसके पहले तो बस गूंगा गुड़ खा के मुस्करा सकता है, वही वाली बात है। अगर मैं कुछ भी कहूँ कि ओशो ऐसे थे, ओशो वैसे थे, सब झूठ होगा, वो सारे शब्दों की बात होगी, हाँ, कोई महत्व नहीं है। आप खुद पाए जो उन्होंने पाया था, जो उनका कोशिश था, हमें जगाने आए थे, हम खुद जागे तभी हम जान सकते कि ओशो क्या है, उससे पहले नहीं, उससे पहले नहीं, कोई नहीं कह सकता। स्वामी जी, बाबा कई बार कहते हैं कि ध्यानी सो के भी नहीं सोता है, 24 घंटे सजग रहता है। जी हाँ। तो स्वामी जी, आपका पहला इंटरेक्शन कैसा था उनसे, और वो क्या कर रहे थे, उन्हें क्या कहना हुआ था? नहीं, मैं असल में क्या है, मैं सौभाग्य से जन्मजात नास्तिक हूँ, सौभाग्य से। बचपन से ही मुझे कुछ ऐसा था कि नहीं, मुझे सिर्फ भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं ही थोड़ी सी प्रभावित करती थी, और सामान मुझे एक बात कहीं बनी नहीं थी। तो एक नास्तिक नुमा ही मेरी सोच थी शुरू से, और शायद जब पहली बार ओशो की वाणी मैंने सुना, हाँ, तब मुझे, अब ये भी मैं नहीं कह सकता हूँ क्या उसमें चुंबकीय शक्ति थी क्या था, मैं नहीं जानता,
लेकिन मैं उनके पास जाने के लिए मजबूर हो गया। और हजार प्रश्न थे, स्वाभाविक हर किसी के मन में प्रश्न होता है। और मेरी संन्यास घटित हुआ उनके हाथों ही। और मुझे याद है आज भी जब मैं संन्यास लेने, अभी मेरे जनवरी 5 तारीख को ही मेरा संन्यास 35 साल मेरा हुआ संन्यास ली हुई उनसे। तो जैसे मैं उनके सामने बैठा और उन्होंने कहा कि मेरी आँखों में देखो, और मुझे इतना याद है कि जैसे मैंने उनके आँखों में देखा तो मेरे सारे प्रश्न तिरोहित हो गए। और संन्यास घटने के बाद में जब मैं बाहर आया तो मुझे यूं लगा कि एक सेकंड में, एक क्षण में मैं जो है रंक जो है राजा कैसे हो जाता है। मैं बाहर आया तो मैं राजा था, यूं लग रहा था। सब कुछ मुझे मिल गया, मुझे जो भी मेरे अंदर कहीं कमी थी सब कुछ मुझे मिल गया, ऐसा अनुभूति थी। बस यही मैं कह सकता हूँ। और शायद यहाँ मैं शब्दों में अतिरंजित कुछ भी नहीं, ऐसा है मेरे हृदय से, ऐसा है, मुझे ऐसा लगा। स्वामी, बहुत मुश्किल कार्य मैं मानता हूँ व्यक्तिगत तौर पे कि प्रभु की जीवनी को एक फिल्म में दर्शा देना, तो आपके लिए कितना मुश्किल और कितना आसान रहा है? सही माने में तो मैं नहीं कहूँगा मुश्किल है, क्योंकि मैं ओशो के किताबों को डिज़ाइनिंग भी करता हूँ और संपादन करके ऐसी बहुत सारी किताबें मैंने जो उपलब्ध नहीं थी और उनको रिस्टोर करके छापा है। तो जितने भी काम ओशो का मैं करता रहूँ तो एक बात मैंने ज़रूर देखा है कि काम शुरू हम करते हैं लेकिन ख़त्म वही करते हैं। बस हमें एक प्रयास करना है कि काम करना है, और फिर उसके बाद पता नहीं कैसे क्या होता हो, कहाँ ले जाते हैं, कैसे होता हो। एग्जैक्टली इस फिल्म के साथ में भी यही हुआ है कि हमारे अंदर एक ही बस था कि कुछ बनाना है, कुछ उनकी अपनी जो निजी खोज थी उसका थोड़ा सा स्वाद जो है नौजवानों में पहुँचाऊँ मैं, वही एक ऐसा भाव था। बाकी सब एक ही चीज़ें मिलते चले गए, सूत्र बनते गए, पहले मंत्रा मिले, मंत्रा के बाद कृष्णा मिले डायरेक्टर, और एक एक करके पात्र जुड़ते चले गए, माला बनता चला गया, मुनके आते गए, माला बनता चला गया। उसमें अंत उन्होंने ही किया, और जैसा हम सोचते थे कहानी का रूप वैसा नहीं हुआ, बल्कि जैसा वो चाहते थे वैसे ही हुआ। कि कहीं भी इतना भी इसमें चमत्कार नहीं है, कहीं भी अतिरंजित नहीं है, हाँ, और बिल्कुल जैन है, प्योर जैन है। स्वामी जी, मैं तो इस कार्य को दुनिया का सबसे मुश्किल कार्य मानता हूँ कि प्रभु की को 1% भी निभा पाना था कि इस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और कैसे एक्टर जो जुड़े हैं, चलिए वो तो एक कहानी, वो तो कहीं ना कहीं कैसे ना दिखानी है, लेकिन शूटिंग के दौरान आप कैसे रहते थे, क्या पूरी शूटिंग देखते थे या आप गाइड करते थे लोगों को कैसे क्या करना है? नहीं, ऐसा था कि ओशो का जो सारा कार्य है ना वो विश्वास पे होता है। ओशो ने हमें एक सबसे बड़ी कला दी है कि जब हम किसी को कोई कार्य के लिए देते हैं ना, फिर उसमें हम पूरा विश्वास करते हैं बस। और हम, मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि जब मैंने कृष्णा को एक काम दिया और कृष्णा भी ओशो बारे में कुछ नहीं जानता था, उससे पहले कोई भी नहीं जानता था, कृष्णा बिल्कुल नहीं जानता था, लेकिन फिल्म से जुड़ा और जुड़ने के बाद में, और मज़े की बात है, उसने इतनी ताजुब है, उसने इतना अच्छे ढंग से निभाया कैसे, क्योंकि साधारण फिल्म बनाना सबसे मुश्किल है, असाधारण फिल्म बनाना बहुत आसान है। अब कहानी में कहाँ ड्रामा भर दे, क्या कर दे, क्या नहीं कर दे, हाँ, लेकिन सबको कंटेन करके रखना कि जो है लाइट को भी एक्स्ट्रा लाइट इस्तेमाल नहीं करना, और हमारे पास बहुत ही कम बजट में हम काम नहीं किया हमने, हाँ, क्योंकि ये फिल्म भाव से बना रहे थे हम, हमारा कोई इसमें व्यावसायिक वैसा अभिप्राय नहीं था, हाँ, और तो उस किस्म का इसमें कुछ था नहीं, सारे हृदय से सारा काम हुआ इसमें। तो मैंने कृष्णा पर विश्वास किया, और कृष्णा ने बाद में मुझसे कहा भी, स्वामी जी विश्वास बड़ा खतरनाक चीज होता है, इसी बड़ी जिम्मेदारी है, हाँ, कि उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। स्वामी जी, कई बड़ी फिल्में बाबा की वाणी पे आ चुकी है, जैसे पीके को उठा ले, जी हाँ, तो पूरा विजन बाबा का ये वो, और जैसे ओ माय गॉड को ले ले, पूरा विजन बाबा का ये वो, जी। तो स्वामी जी, जो हम मैसेज देते हैं संसार को, या फिर हम जो लोग जो भी ये दर्शाते हैं अपने किरदारों के द्वारा, स्वामी जी उस पथ पर संसार कब तक आ पाएगा? यार, जब राम के युग में भी ऐसा नहीं था, जब वहाँ भी राक्षस बसते थे, तो ऐसा तो कभी होगा नहीं, जीवन जो है ऐसे ही चलेगा, हाँ, इसमें राम भी होंगे, रावण भी होंगे, हाँ, और यही दो शक्तियाँ मिलके जो संसार को चलाती है किसी न किसी रूप में। तो अब ऐसा तो कभी मत सोचना कि पृथ्वी से राम ही राम हो जाएंगे, तो शायद मज़ा भी नहीं आएगा, थोड़े रावण भी होने चाहिए, थोड़े राम भी होना चाहिए।
किसी ना किसी रूप में रावण ही जो है ना राम को खिलाता है, रावण को और खिलने का मौका दे दो ना, एक दूसरे को पूरक है। हाँ, तो कहीं अगर गलत हो रहा है तो मैं कहूँगा वो कीचड़ में ही कमल खिलना है, तो दोनों एक दूसरे को पूरक है। आप ये ऐसा नहीं सोचे कि फिर अगर कीचड़ ही नहीं रहेगा तो कमल भी खिलेगा नहीं शायद, तो इसलिए आप किसी को भी, हम ये नहीं कह सकते कोई परमात्मा से अलग है, कोई गलत भी है, कोई कातिल भी है, या कोई भी है तो परमात्मा वही ओंकारेश्वर वही ओम, अलग कैसे हो सकता है। स्वामी जी मेरे इतने सारे प्रश्न हैं, मैं जानता हूँ इस पे वो कैमरे पे नहीं बोल पाएंगे, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे जुड़ा रहूँगा जरूर। और स्वामी जी स्वागत है, स्वागत है, आरंभ है, अंत पता नहीं कहाँ होगा, और वापस जुड़ा रहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, इतना वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।